जिला कलेक्टर गौरव गोयल ने आदर्श नगर सैटेलाइट अस्पताल में निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं पाई। उन्होंने अस्पताल परिसर में अपना बाजार द्वारा संचालित सहकारी उपभोक्ता भंडार की दवा की दुकान में फार्मासिस्ट के स्थान पर 12वीं कक्षा के छात्र को दवा बेचते पाया। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए मेडिकल शॉप को सीज कर दिया और फार्मासिस्ट का लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही संचालन करने वाले एनजीओ को ब्लैकलिस्टेड करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सालय प्रभारी को भी आड़े हाथों लेते हुए नाराजगी जताई और सहकार विभाग को अपना बाजार द्वारा संचालित दवा की दुकानों का ऑडिट करने के निर्देश दिए। ये हॉस्पिटल में चूंकि आज यहाँ मीटिंग यहाँ हॉस्पिटल में रखी थी तो यहाँ कोऑपरेटिव स्टोर पे सरप्राइज रूप से इंस्पेक्शन किया गया तो वहाँ देखा कि कोऑपरेटिव के मेडिकल स्टोर पे जो लड़का वहाँ पे दवाइयाँ देख रहा था और दवाइयाँ दे रहा था पेशेंट्स को वो फार्मासिस्ट नहीं था, वो 12th पास कंप्यूटर ऑपरेटर था। जानकारी करने पर उसने बताया कि जनरली शाम को फ्राइडे सैटरडे फार्मासिस्ट गाँव चले जाता है और वो वहाँ पे देता है, जो बिल्कुल गलत है, नियम विरुद्ध है। फार्मासिस्ट जो ट्रेंड है जिसके पास